सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना करें, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना करें, जो होगा वो होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना करें। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है, ये जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। मंजिलें बहुत है और अफसाने भी बहुत है, जिंदगी के राह में इम्तहान भी बहुत है। मत करो दुख उसका जो कभी मिला नहीं, दुनिया में खुश रहने के बहाने भी बहुत हैं। आज का पंचांग 21 मार्च 2022 दिन सोमवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 8:20 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र रात्रि 9:31 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:04 से 9:34 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 21 मार्च 2022 दिन सोमवार, कोई अप्रत्याशित धन या स्रोत आपको मिलने वाला है। गलत आदतों और जोखिम भरे व्यवहार से बचें, सोच समझ कर धन का प्रयोग करें। आपके शिक्षक के पिता जैसा कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से गुजर रहे हैं, ऐसे में उनके साथ रहें, किसी रहस्य का भी पता चल सकता है। कलात्मक पेशे वालों के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। अपने काम को समय पर पूरा करना चिंता का विषय बन सकता है। फोन या ईमेल के जरिए कोई अप्रत्याशित समाचार मिलेगा। कुछ समय अपने रुचि संबंधित कार्यों में जरूर व्यतीत करें, इससे आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। अपने व्यवहार कुशलता द्वारा किसी भी तरह का काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। विद्यार्थियों की विदेश संबंधित कोई रुकी हुई कार्यवाही शुरू हो सकती है। परिवार से संबंधित घटी किसी घटना का असर आपके मन पर हो सकता है। परिवार के लोगों का साथ आपको पूरी तरह से प्राप्त होगा, फिर भी अपनी जिम्मेदारियां खुद होकर ही निभाने की आवश्यकता है, इस बात का ध्यान रहे। पैसों से संबंधित बड़े व्यवहार करते समय भावनाओं को हावी न होने दें। काम की जगह आपको मनचाहा अवसर प्राप्त हो सकता है। पति पत्नी का रिश्ता सुधरता हुआ नजर आएगा। सावधानियां, इनकम के साधन बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बने रहेंगे, इस वजह से सेविंग नहीं हो पाएगी। ड्राइव करते समय ट्रैफिक नियमों का उचित ध्यान रखें, वरना आप किसी कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। मन में निराशाजनक और नकारात्मक विचारों को ना उठने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने प्यार की आंच से आप रोमांस की गर्मी को भड़का सकते हैं, जिससे प्रेम भरी जिंदगी रंगीन हो जाएगी। खुद पर और अपने मानसिक शक्तियों पर विश्वास रखें, आप जो चाहे वो पा सकेंगी। कोई दुख अपमान या कोई बीमारी आपको रोजाना का काम में बाधा बन सकती है। आज परिवार के साथ छोटी सी यात्रा का योग है। अपने लव को प्रभावित करने के लिए आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है, जो आपके दिल रूह और रिश्तों में आता है। आपका प्यार अगर रूठ गया है तो एक आलिंगन या किस उसे मना भी सकता है और आपके प्यार को और भी गहरा बना सकता है। बात करते हैं करियर की। किसी करीबी से संबंध विच्छेद, अप्रिय बात या वाद विवाद इत्यादि से आप स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। आत्मनिरीक्षण के लिए यह समय बेहतरीन है। दिल की सुने और समस्या का सामना करें। सफर में गड़बड़ी से बचने के लिए आज यात्रा स्थगित कर दे। अपनी बैठकों और अटके हुए काम को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए यह समय बेहतरीन है। अब आपको उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझने और असामान्य जोखिम लेने के बजाय फायदेमंद योजनाएं बनानी चाहिए।
अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए समयबद्ध होने की कोशिश करें, फालतू के वाद विवाद से दूर रहें। बात करते हैं सेहत की। शारीरिक और मानसिक थकान हावी रहेगी। योग और मेडिटेशन में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। सर्दी से संबंधित तकलीफ बढ़ सकती है, सेहत का ध्यान रखें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।